हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ अंडे की भुर्जी। अंडे की भुर्जी बहुत तरीके से बनती है, पर मैं अपने तरीके से आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर और मिर्च को बारीक बारीक कट कर लिया है, ये देखिए। और अंडे ले लिए हैं मैंने 6, और यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया है। गैस ऑन कर लेती हूँ मैं, ऑयल गरम कर लेते हैं। मस्टर्ड ऑयल मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पे ऑयल हमारा गरम हो चुका है, तो पहले मैं प्याज को डाल दूंगी। प्याज को हम थोड़ी देर भून लेंगे, बहुत ज़्यादा हमें प्याज को नहीं पकाना है। थोड़ी देर हम पकाएंगे प्याज को। अंडे की भुर्जी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप किसी के साथ भी इसको खा सकते हैं, पराठे के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, पाव के साथ भी खा सकते हैं। अभी मैं टमाटर डाल देती हूँ और मिर्च भी, और टमाटर मिर्च को भी हम अच्छे से पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। मिक्स कर लेती हूँ मैं, और थोड़ी देर मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पे हम थोड़ी देर पकने देते हैं। यहाँ पे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देती हूँ, और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम सूखे मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने नमक ले लिया है, नमक अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल के। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ी देर पका लेते हैं, उसके बाद हम अंडों को डालेंगे। तो यहाँ पे मैं अंडे को तोड़ लेती हूँ, तब तक मसाला हमारा थोड़ा भून जाएगा। अंडे मैंने तोड़ लिए हैं, ये देखिए, और इसको मैं चम्मच से इस तरह से फेंट लूँगी। आप चाहें तो डायरेक्ट डाल सकते हैं अंडे को तोड़ के, पर मैं इसको थोड़ा सा फेंट लेती हूँ इस तरह से। उसके बाद मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे मसाला हमारा भुर्जी के लिए तैयार हो गया है। अभी मैं अंडे इसमें डाल दूँगी जो मैंने अभी फेंट के रखे हैं। ये देखिए मैंने डाल दिया है, और इसी तरह से मैं थोड़ी देर इसको चलाऊंगी। बहुत ही इजली भुर्जी बन जाता है, आप कभी भी बना सकते हैं। इसी तरह से मैं थोड़ी देर चलाऊंगी इसको कंटिन्यू। तो ये देखिए, भुर्जी हमारा तैयार हो चुका है। अभी मैं इसमें धनिया पत्ती ऐड कर दूंगी। और थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी, तो बहुत ही जल्दी भुर्जी बन के रेडी हो जाती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए,
अभी हम सर्विंग के लिए निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा हमारा भुर्जी लग रहा है, देखने में भी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो मेरी रेसिपी कैसे लगी आप लोग बताइएगा ज़रूर, और ट्राई ज़रूर करिएगा। आप लोग किस तरीके से बनाते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।